मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। बेवफाई, हम हार की बर्दाश्त नहीं कर सकते शरीफुली। अगर हम पक्षी बानू के शोहर नहीं होता तो ये आपके जिस्म के पार होता। उनके लिए, सिर्फ उनके लिए हम आपको माफ करते हैं। हम मुगल कोई लुटेरे नहीं जो हिंदुस्तान की दौलत को लूट लेंगे, जो खजाना भरने की हवस पर जीते हैं। ये हमारा मुल्क है और हम इसके जिस्म पे लूट के जख्म नहीं देख सकते। ये बात भी अब सब पर रोशन रहे कि हर मजहब का एहतराम और बर्दाश्त करने की चाहत ही आने वाले हिंदुस्तान को सुनहरे बना सकती है। अरे साहब जी, अपन को बीच में बोलने के लिए माफ करना। ये गांव के स्कूल वालों ने तो अपन का मूड ही खराब करके रखा है कि जो भी सीख के आए थे सब वो कुछ दिमाग से निकल गए। निजी बात है, पिछले हफ्ते जो नए मास्टर जी आए और तो ही बोर्ड पे लिखे महाभारत और पलट के पूछे बच्चों महाभारत किसने लिखा। अरे अपन बोला अभी अभी आपने तो लिखा। मास्टर जी गुस्से में पूछे तू ज्यादा स्मार्ट मत बन। हाँ चल बता रामायण में धनुष कितने तोड़ा। अरे अपन बोला माँ की कसम अपन ने नहीं तोड़ा। पता नहीं मास्टर जी का गुस्सा आ गया डबल, सीधे गए हेडमास्टर के पास। हेडमास्टर जी बोले जरूर उसने किया होगा, बहुत ही बदमाश है, ये खींच के ले ना सर गुस्से से सुन देगा। मास्टर जी का फेस हो गया और लाल, सीधे के मैनेजर के पास। मैनेजर साहब सीट से उठकर हाथ जोड़ कर बोले अरे मास्टर जी जो हो गया सो हो गया, ये छोटी छोटी बातों को खींच कर कार को बड़ा करना देते बाबा। ये जो धनुष है कहाँ बोला था आपने, आया धनुष इसका जितना भी पैसा हो हम प्रीमियम के फंड से रिफंड कर लेंगे बराबर। मास्टर जी चुप, अपन क्लास से बाहर। जाने तो साहब अपन को तो लाइफ में एक्टर होना होता है। ओ बात करते करते तो टाइम निकल गया सर, अपन दोबारा शिंचा बन के दिखता है। तो हम मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आज ये मंच पर कसम खा के कहते हैं कि हमारे नस नस में बहती हुई ये लहू की कसम, हमारी ये मुल्क की कसम, हमारी अम्मी जान की कसम, हम एक